हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासेस बाय रेखा मैम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर सेवन फ्रॉम द क्लास टेन स्टैंडर्ड बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टोरी ऑफ द नेकलेस एंड हाउ मेटिलडा केम इन टू द ट्रिफल लेट्स सी इन दिस चैप्टर ओके ये मेटिलडा की एक स्टोरी है ओके मटिलडा इज़ इनवाइटेड टू अ ग्रांड पार्टी, शी हैज़ ब्यूटिफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी शी अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड देन वॉट हैपन्स दैट वी विल रीड इन द स्टोरी सम क्वेश्चन हैज गिवन हियर इन द बिगनिंग वट काइंडसन इज एम एम ई लोसल ये एम एम ई का मतलब यहाँ पर मिसेज है वाई इज शी ऑलवेज अनहैपी ये मटिल्डा का पूरा नाम मटिलडा लॉयसल है और वो हमेशा अनहैप्पी क्यों रहती है वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन इज अर हजबैंड उसका हस्बैंड किस तरह का पर्सन है वी ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ थ्रो एन एर ऑफ डेस्टिनी इन टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क शी हैड नो डावरी नो होप्स नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन इधर रिच और डिस्टिंग्विश्ड and she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of the board of education. She was simple, but she was unhappy. वो बहुत ही प्रिटी थी बहुत ही जवान थी यंग लेडीज़ का मतलब बहुत ही जवान थी वो और ये तो भाग्य का ही दोष था कि उस उसका जन्म एक क्लर्क फैमिली में हुआ उसने शादी की उसमें कोई डावरी नहीं मिला उसे उसे कोई आशा नहीं थी किसी तरह की कि वो बहुत फेमस होना चाहती थी सब लोग उसे जानें प्यार करें और उसने शादी भी एक ऐसे इंसान से कर ली जो एक क्लर्क था उसने एक ऐसे इंसान को अलाउ किया अपने आप से शादी करने के लिए जो कि एक बोर्ड एजुकेशन बोर्ड में क्लर्क था वो बहुत सिंपल थी लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी थी अनहैप्पी थी ओके उसने मतलब को कहती है कि उसने कभी प्यार भी नहीं किया किसी से शी सफ़र्ड इंसिसेंटली फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलीकेसीज एंड लग्जरीज शी सफ़र्ड फ्राम दर्जी ऑफर अपार्टमेंट द शेबी वॉल्स एंड दर्न चेयर ऑल दीज थिंग टॉर्चर्ड एंड एंग वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी हर चीज़ से क्योंकि उसे लग्जरीज की उसको ऐसा लगता था कि वो उसका जन्म जो है वो लग्जरीज़ के लिए हुआ है बहुत ही डेलीकेसी यानी नज़ाकत के साथ रहने के लिए बहुत ही लग्जरी वाली लाइफ के लिए उसका जन्म हुआ है लेकिन वो जब अपने घर की वॉल्स को अपनी उस घर की पोवर्टी को देखती थी वॉल्स जो कि पुरानी थी और चेयर्स जो कि पुरानी थी इन सब को देखती थी तो उसे बहुत गुस्सा आता था वैन शी सीटेड हर सेल्फ और डिनर अपोजिट हर हजबेंड हुवर्ड दिन विद डिलइट एंड सींग ओ द गुड फॉट पी आई नो नथिंग बैटर दैन that she would think of elegant dinners of shining silver, she thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frogs nor jewels, nothing, and she loved only those things. उसे लोगों से कम उसे वो बहुत मैटेरियलिस्टिक थी मैटे मैम फॉर मैटिल्डा एंड एम फॉर मैटेरियलिस्टिक. I would like to say this कि वो उसे चीजों से प्यार था लोगों की बजाय खुशी की बजाय कंपनी की बजाय she loves द थिंग्स मटीरियल्स जब वो अपने हस्बैंड के साथ डिनर पर बैठती है डिनर टेबल पर बैठती है तो उसका जो हस्बैंड होता है जब उसको एक बाउल लेके आता है और उसमें बहुत उसमें जो ट्यूरिन है ट्यूरिन का मतलब होता है कटोरा बड़ी कटोरी से बाउल को कटोरी कहते हैं और ट्यूरिन को कटोरा कहते हैं तो बड़ी खुशी से जब वो उससे कपड़ा हटाता है और वो कहता है वाह क्या सुंदर पोटपाई है पोट पी मतलब या पॉटपाई भी कह सकते हैं आप पॉट पी भी कह सकते हैं इसका मतलब है मालपुए और वो लेकिन उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ये और वो कहता है कि शी तो वो उसको ऐसा लगता है कि अरे वाओ कितना एक्सक्यूजिट फूड है उस क्योंकि उसे उन उस फूड की उम्मीद थी जो कि लाइक like, बहुत मार्वलस हो जिसमें डिशेस बहुत अच्छी हों उसके पास ना ही फ्रॉक्स थी ना ही ज्वेल्स थे कुछ नहीं था उसके पास और उसे सिर्फ उन्हीं चीज़ों से लगाव था शी हैड अ रिच फ्रेंड अ स्कूल मेड एट द कन्वेंट हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट शी सफर सो मच वैंड शी रिटर्न शी वेट फॉर होल्ड डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट वो उसकी एक फ्रेंड थी वो बहुत रिच थी उसकी स्कूल मेट थी जो कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई थी शी शीटर उसे वहाँ उसके यहाँ जाना भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि जब भी वो वहाँ से लौटती तो दुखी हो जाती वो कई दिनों तक रोती रहती निराश बनी रहती डिसअपॉइंट रहती एक इवनिंग क्या हुआ उसका हस्बैंड लौट के आता है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा एनवलप है हेयर ही सेड हेयर इज़ समथिंग फॉर यू और वो उससे कहता है देखो मेरे हाथ में तुम्हारे लिए कुछ है शी क्विकली ट्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच व inscribed these words for the minister of public instruction and madam george romponi asked the honor of m and mme loisel company monday evening january 18 at the minister's residence instead of being delighted as her husband had hoped she threw the invitation spitefully upon the table murmuring what do you suppose i want with that खुश होने की बजाय वो बहुत दुखी हो जाती है और वो क्या करती है उस इनविटेशन कार्ड को टेबल पर फेंक देती है ओके और वो कहती है मैं क्या करूँ इस कार्ड का मैं क्या करूँ ओके और बस दो से बहुत गुस्सा आता है बट इन ऑफ बी बट माई डियरी आई थाट इट वुड मेक यू हैप्पी मेरी प्यारी ये कौन कह रहा है ये मिस्टर लॉयजल कह रहे हैं मेरी प्यारी मुझे तो लगा कि ये तुम्हें बहुत खुश कर देगा यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ऑकेजन एंड आई फाइंडी विश इज वन इट इज़ वेरी सिलेक्ट नॉट मैनी होल ऑफिशियल वर्ल्ड लाइक एट हिम एंड इंडलेय इम्पेश वट डू यू सपोज आई है थिंग एज दैट अब वो कहती है कि देखो मैं मुझे लगा कि तुम बहुत खुश हो जाओगी क्योंकि तुम कभी बाहर नहीं जाती ये एक बहुत ही एक नया ओकेजन है एक फाइन वन अच्छा ओकेजन है सब चाहते हैं कि तुम आओ और बहुत ही सिलेक्टेड एम्प्लॉज को बुलाया गया है आप वहां बहुत सारे ऑफिशियल से मिलेंगी शी लुक एट हिम और वो उसकी तरफ देखती है उसे बहुत इरिटेट कर रहा है उसको ऐसा लगता है गुस्से की नजर से देखती है चिड़कें देखते इिटेटेड मीन्स चिड़के देखना दिस इज चिड़ चिड़के देखना वॉट यू सपोज आई टू वीयर सच अ थिंग मैं क्या पहनूंगी का मतलब है हकलाने लगा वो अरे अचानक से जब भी, भी कोई कोई चीज आपके सामने आ जाए और आपके आंसर उसके पास ना आपका पास कोई आंसर नहीं हो तो आप क्या करते हैं हकलाने लग जाते हैं ना अरे आपको वर्ड्स नहीं मिलते दैट्स वाई तो उसने सोचा भी नहीं था कि ये क्वेश्चन आएगा कि वट वुड आई वियर वाई द ड्रेस यू वियर वैन वी गो टू द थिएटर इट सीन्स वेरी प्रिटी टू मी मुझे तो बड़ी अच्छी लगी जो थिएटर में तुम ड्रेस पहन के गई थी वो तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये वो साइलेंट वो बिल्कुल साइलेंट चुपचाप रह गया स्टूपीफाइड अपने आप को स्टूपिड समझ रहा था बड़ा निराश हो गया वो इस बात को सुन के एट द साइड ऑफ हिज वाइफ वीपिंग और दूसरी तरफ जो उसकी वाइफ थी वो बिल्कुल शी वॉज क्राइंग वीपिंग मतलब बड़े बड़े आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे ही स्टैमर्ड वॉट द मैटर वॉट इज द मैटर हुआ क्या बताओ तो सही एंड एन अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन वैक्सेशन एंड रिस्पॉन्ड इन अ काम वॉइस बहुत वैक्सेशन का मतलब उसे बड़ी गुस्सा आ रही थी ठीक है एक्चुअली ही वॉज फीलिंग टू टू मच बिकॉज वो बार बार और बार बार चिल्ला रही थी उसके ऊपर एंड उसने अपने आप को कंट्रोल किया अपने जो गुस्सा था वैक्सेशन पर कंट्रोल किया उसने और बड़े ही ठंडे वॉइस में बोला उसके टीयर्स को पहुँचते हुए वाइपिंग मतलब पहुँचना ठीक है मॉइस्ट चीक उसके गीले चीक्स को पहुँचते हुए बोला नथिंग कुछ नहीं ओनली आई हैव नो नो no ड्रेस उसने बोला मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है इसी वजह से कंसिक्वेंटली मतलब होता है परिणाम आई कैनॉट गो टू हिज दिस अफेयर इसलिए मैं इस अफेयर में नहीं जा सकती गिव यू योर कार्ड टू समलीग हुई बेटर फिटेड आउट देन आई और ये कार्ड उस कलीग को दे देना जो मे जिसकी वाइफ मेरे से ज्यादा बेटर हो ओके ये बोल के वो चुप हो गई वॉज ग्रीव उसको क्या हुआ उसको बहुत ज़्यादा वो बहुत परेशान हुआ उसे बहुत बुरा लगा बट आंसर्ड लेकिन फिर भी उसने आंसर किया ठीक है यहाँ पे ग्रीफ्ट का मतलब है परेशान ओके okay? ग्रीफ्ट का मतलब क्या है यहाँ पे बहुत परेशान हुआ वो लेट सी मटिल्डा हाउ मच वुड वोडा सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट देखते हैं मटिल्डा कितना कॉस्ट का आता है वो कॉस्ट्यूम समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन समथिंग वेरी सिंपल ओके okay, जो दूसरे ओकेजन पे भी काम आ सके बहुत सिंपल हो शी रिफ्लेक्ट फॉर सम सेकेंड थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी आस्क आस विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड अ फ्राइट इन एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल टर्न ओके और उसने कुछ सेकेंड के लिए उसने सोचा ओके okay? उसने सोचा मैं ऐसा प्राइस बोलूँगी कि वो मना नहीं कर पाए तो क्योंकि अब वो क्लर्क जो था उसके पास इतनी अर्निंग नहीं थी फाइनली शी सेड इन हेजिटेटिंग और उसने हिचकते हुए कहा क्या कहाँ सी आई के नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम टू मी दैट फोर हंड्रेड फ्रेंसेस आउट और टू कवर इट मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकती लेकिन फोर हंड्रेड फ्रेंक्स तो लगेंगे फ्रेंक्स जो है यहाँ पर ये आपकी एक मनी है जैसे कि रुपीज होते हैं उसी तरह से ये एक पैसे की मनी मोनिट्री वैल्यू है ठीक है फ्रेंड्स ये टर्न अ लिटिल फेल और वो थोड़ा पीला पड़ा फॉर ही टू बाई अगर्न दैट ही एबल टू जॉइन समर शूट लाक्स ऑन संडे न लाक्स का मतलब है पार्टी ड्रेस ओके okay? तो उसने बोला ठीक है उसने वैसे उसका जब भी वो उसने यस बोला कि हाँ फोर हंड्रेड फ्रेंड्स लग जाएंगे तो उसे सुन के उसका फेस जो था वो पीला पड़ गया उसने बोला कि मैंने ये पैसे ना मन में उसने सोचा कि उस क्योंकि उसने ये पैसे एक गन खरीदने के लिए बचा के रखे थे ताकि वो संडे को जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाए हंटिंग पर लाक्स हंटिंग के लिए तो उसे उसको फन हो मज़ा आए ठीक है लेकिन उसने बोला कोई बात नहीं तुम ये ले लो और लेकिन अच्छी सी ड्रेस लेके आना ओके चलिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स एमएमई लॉयजल हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व अब किस तरह की फ्रेश प्रॉब्लम जो है लॉयजल no, को डिस्टर्ब करती है और कैसे सॉल्व होती है वी विल रीड इन द फॉलोइंग लाइंस द डे ऑफ द बॉल अप्रोच एंड एमएमई लॉयजल सीम्ड से सैड डिस्टर्ब्ड एंड नेक्सियस एंग्जियस नेवरलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी नेवरलेस का मतलब है यद्यपि नेवरलेस का मीन्स क्या है यहाँ पर यद्यपि ओके एंक्शियस का मतलब है चिंता में डिस्टर्ब मतलब परेशान ओके द बॉल का टाइम होने वाला था बॉल मतलब वो जो डांस पार्टी का टाइम आ गया था और लॉयजल बड़ी ही परेशान बड़ी ही दुखी चिंता में डुक रही थी जबकि उसकी ड्रेस जो थी वो बिल्कुल रेडी थी हर हस्बैंड उसका हस्बैंड एक इवनिंग उससे बोलता है वट इज़ द मैटर विद यू यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली टू फॉर टू और थ्री डेज तुम दो तीन दिन से बड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो उसने रिस्पॉन्ड किया आई एम वेस्ट मैं परेशान हो गई नॉट टू हैव अ ज्वेल मेरे पास किसी तरह का कोई ज्वेल jewel, ज्वेलरी नहीं है नथिंग टू अडोन माई सेल्फ विद आई शेल हैव सच अ पोवर्टी स्टिकन लुक मेरे को अपने आप को सजाने के लिए अडोन मतलब डेकोरेट करना करने के लिए किसी तरह का कुछ है ही नहीं बिल्कुल मैं गरीब वाला लुक दे रही हूँ आई वुड फ्रेयर फ्रेयर नॉट टू गो दिस पार्टी मुझे लगता है कि मुझे इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए रिप्लाइंट यू ही आंसर करता है लॉयल लॉयजल जो है मिस्टर लॉयजल आंसर करते हैं यू कैन वीअर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक यहाँ पर चिक का मतलब है ब्यूटिफुल तुम तो ओरिजिनल फ्लावर्स भी ले सकती हो जो कि बहुत ही ज़्यादा चिक लगेंगे शी वॉज नॉट कन्विंस लेकिन वो फिर भी कन्विंस नहीं होती शी रिप्लाइड देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग दैन टू हैव अबी एयर इन द मिस्ट ऑफ रिच वन बोलता है कि इतने गंदे गंदे मेरे बाल हैं और इन रिच वूमेन के बीच में जाके मैं और ज़्यादा इंसल्ट नहीं करना चाहती अपनी ह्यूमिलिटिंग का मतलब है इंसल्ट करवाना देन हर हसबेंड क्राइड आउट चिल्लाता है हाउ स्टूपिड वीअर हम लोग इतने स्टूपेड हैं अरे गो एंड फाइंड योर फ्रेंड एम एम ई फ्राइस्टर एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स तुम एक काम क्यों नहीं करते चलो कितने स्टूपिड हैं हम अपनी फ्रेंड के पास जाऊं और उससे ज्वेल ले लो शी wow, बहुत चीख के बोली वो उसने वो उसे खुश हो गई बात हैड नॉट थाट मैंने तो सोचा ही नहीं था द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस एम एम फर्स्ट टू हर क्लॉज टूक आउट ज्वेल खीज प्लॉट ओपन सीन Choose, my dear. She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold, jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them or leave them. Then she asked, Have you nothing more? Why? Yes, look off for yourself. I don't know what will please you. Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her.

तो उसकी फ्रेंड क्लाज़ट से क्लोज़ेट यानी कि अलमारी से बहुत सारा ज्वेल्स निकालती है जितने भी होते हैं उसके पास वो बहुत सारे ज्वेल्स को ट्राई करती है लेकिन उसको फिर भी पसंद नहीं आता उसको समझ ही नहीं पाती वो हेज़िटेटिंगली चीज़ों को उठाती है बहुत सारे डायमंड के ज्वेल्स होते हैं और वो रखती है गोल्ड के होते हैं और बाद में वो उससे पूछती है कि अरे कुछ और भी है क्या तुम्हारे पास तो जब वो इस तरह का क्वेश्चन करती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मुझे नहीं पता कि आपको क्या पसंद आएगा तभी तो वो ब्लैक कलर का सेटिन बॉक्स निकालती है और वो बॉक्स उसके सामने रखती है उसमें से बहुत ही सुंदर सा डायमंड का नेकलेस निकालती है वो और वो उसे निकाल के अपने थ्रॉट पर लगाती है जैसे और वो उसे देख के इतनी खुश हो जाती है जब वो उससे पूछती है बहुत हिचकिचाहट में कि और बहुत चिंता में कि पता नहीं शी वुड से यस और नो फॉर लैंडिंग मी दिस नेकलेस तो वो पूछती है कि आप मुझे नेकलेस दे देंगे तो वो कहती है हां बिल्कुल क्यों नहीं शी fainted upon the neck of her friend embraced her with passion then went away with her travel और वो अपनी दोस्त के गर्दन, गर्दन से लटक जाती है इतनी खुश हो जाती है उसे आपसे गले लगा लेती हैं और वो वहाँ से अपने खजाने को लेकर चली जाती है द डे ऑफ द बॉल अराइव तभी बॉल वाला दिन आता है यानी कि डांस व पार्टी वाला डे आता है एम एम ई लॉइज वॉज अ ग्रेट सक्सेस उसे बड़ी जीत मिलती है लाइक शी द्रिटियास्ट वो सबसे सुंदर सबसे एलिगेंट सबसे ग्रेसियस लग रही होती है उसके चेहरे पर स्माइल होती है बहुत खुश होती है वो सारे लोग उससे ही नोटिस कर रहे होते हैं उसका नाम पूछ रहे होते हैं और वॉन्टेड टू प्रजेंटेड और उसके साथ मिलना चाहते हैं वो बहुत एंथुसिया से डांस करती है एंटॉक्सीटेड विद और बहुत खुश होती है और कुछ भी नहीं सोच रही होती सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और ये उसके लिए एक विजय सी होती है और उसकी ये विजय कंप्लीट हो जाती है और उसे दिल को बहुत अच्छा लगता है शी वेंट होम टू वर्ड्स फोर ओ क्लाक इन द मॉर्निंग तभी वो चार बजे अपने घर जाती है उसका हस्बैंड अभी आधा ही सोया होता है लिटिल सैलून में सिंस मिड नाइट विथ थ्री अदर जेंटलमैन जो तीन और जेंटलमैन के साथ हुज वाइफ और इन्जॉइंग इनकी वाइफ बहुत मजे कर रही थी वहाँ पर ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर द मोडस्ट रैप्स दे हैड कैरेट और उसने उसने अपने जो गले में जो मॉडर्स्ट रैप पहना हुआ था उसे वो फेंक देता है दे हेड कैरड हुज पोवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम शी विस्ट टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस बाय द अदर वुमेन हु वर रैपिंग देम सेल्फ एंड रिच शी वॉज शी विस्ट और वो जल्दी से उसने क्या किया जो उसने शॉल ली थी वो उसने अपने हस्बैंड के शोल्डर पर रख दी और अपने आप को उसने देखा कि जो डांस वाले कपड़े थे वो बड़े ही प्रिटी थे उसने विश किया कि हरी आर शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस बाई द अदर वूमेन उसने बोला चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं जो वुमेन बहुत ही रिच फर में यानी कि बहुत ही अमीर कपड़ों में हैं जो अपने आप को लपेटे हुए हैं वो उन्हें नोटिस ना करें लॉयजल डिटेन her लॉयजल क्या किया लॉयजल बहुत निराश हो गई हो गई और आ, और जो loisel उसका हस्बैंड था उसने उसे मना किया कि रुको रुको रुक जाओ वेट करो शेय सेट्स ही आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब और बोला रुक जाओ मैं भी एक कैब बुलाता हूँ बट शी वुड नॉट लिसन उसने नहीं सुना एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रेपिडली और फटाफट से उसने अपने कदम बढ़ाए वैन दे वर इन द स्ट्रीट जो स्ट्रीट में थे दे फाउंड नो कैरेज उन्हें कोई घोड़ा गाड़ी नहीं मिली दे वी गैन टू सी फॉर वन हेलिंग द खोश वन हु दे सॉ एट अ डिस्टेंस और उन्होंने एक कोचमैन था जिन्होंने जिसने उन लोगों को दूर से ही देख लिया था दे वॉकड अलॉन्ग टुवार द रिवर रिवर की तरफ चले होपलेस एंड शिवरिंग कांपते हुए निराशा में फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरिज दैट वन सीज इन पैरिस आफ्टर नाइट फॉल तभी उन्हें एक कैरिज मिला हुआ जिस पे जिसे उन्होंने रात में जो पैरिस में चलते हैं नाइट फॉल होता है उन उस तरह का जो पुराना सा कैरिज जिसमें घोड़ा होता है गाड़ी होती है इट लुक देम एज़ फार एज देयर डोर और वो इट टुक दैम एज़ फार एज देयर डोर और उन्हें उनके डोर तक उन्हें छोड़ने के लिए ले गया दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट इट वॉज और वो बहुत थक चुके थे इट वॉज ऑल ओवर फॉर हिम और हर सब कुछ ख़त्म हो चुका था उसके लिए एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई टेन ओ क्लॉक ओके okay, और वो ये भी भूल गई कि उसे और उसके हस्बैंड को सुबह दस बजे ऑफिस जाना है शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर उसने शो अपने शोल्डर से जो रैप था शॉल थी उसे हटाया ग्लास के सामने फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ़ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी और अपनी ग्लोरी अपना मतलब जो भव्यता थी उतनी सुंदर जो लग रही थी उसने अपना एक लुक फिर से उस मिरर में, में देखा सडनली शी अटर डक रहा है तो भी उससे मुँह से एक चीख निकल पड़ी उसका नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक उसका नेकलेस उसकी गलन में था ही नहीं वट डू एम एंड वो क्या करेंगे हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस अब वो नेकलेस को कैसे लौटाएंगे जिसने अपने कुछ ही कपड़े उतार ही रहा था बोलता क्या हुआ शी टर्न टूर्डेडली आई नो लॉन्ग नेकलैस मेरे पास का नेकलेस नहीं है अब उसे वो गुस्से में मतलब तो उसको अंदर निराशा आ गई क्या चिंता हो, हो गई उसको वट हाउ इज़ दैट इट्स नॉट पॉसिबल कैसे हो सकता है ये पॉसिबल नहीं है एंड दे लुकड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस और वो ड्रेस की जो फोल्ड्स थी उनमें देखने लगे वो उसके जो क्लॉक पहना था उसमें उसमें देखने लगे पॉकेट्स में देखने लगे हर जगह देखने लगे लेकिन उन्हें वो नहीं मिला ही आज यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट वैन वी लेव द मिनिस्टर्स हाउस तुम श्योर हो कि जब हमने मिनिस्टर का हाउस छोड़ा था, था तो वो आपके पास था वो कहती ये आई फेल्ट इट एज वी केम आउट बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव इट इट फॉल मस्ट बी इन द कैब उसने बोला कि अगर ये तुम्हारे गले में ही होगा अगर हम रास्ते में खोलते तो हमें पता चलता है ना आवाज़ आती बट नहीं आई तो ये कैब पे तो नहीं रह गया उसने बोला हाँ हो सकता है पॉसिबल है तो तुमने कैब का नंबर नोट किया उसने बोला नहीं किया तुमने देखा नंबर दोनों ने एक दूसरे को नो बोला दिल लोग टैटी चलता दो, दोनों एक दूसरे की तरफ कास्ट डाउन होकर देखने लगे ये जो वर्ड है कास्ट डाउन इसका मतलब है यहाँ पर मुँह लटकाना यानी दोनों बड़े ही निराश हो गए फाइनली लॉइजन फाइनलीम हिमसेल्फ अगेन लॉइजन ने दोबारा से कपड़े पहने मैं जा रहा हूँ उसने बोला ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फूड टू सी इफ आई कैन फाइंड इट जहाँ से हम चल के आए थे मैं वहाँ भी देखूँगा क्या हमें क्या पता मुझे वो मिल जाए और वो चला गया शी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन और वो अपनी इवनिंग गाउन में ही रही नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड उसमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो अब बैड पर जा पाती टू और सेवन ओ क्लॉक हर हस्बैंड रिटर्न सात बजे उसका हस्बैंड वापस आया ही हैड फाउंड नथिंग उसे कुछ भी नहीं मिला ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस एंड पुट एन एडवर्टीज़मेंट इन द न्यूज़ पेपर ऑफरिंग रिवॉर्ड और उसने पुलिस में कम्प्लेन किया कैब ऑफिस में गया एडवर्टीजमेंट डाला उस न्यूज़पेपर में कि जो भी मिलेगा उसको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ दी बिल्डर बिफोर दिस फ्राइट डिज़ास्टर और री बिल्डरमेंट का मतलब होता है बेचारे परेशान हैरान हो गए और डरे हुए थे कि कहाँ से कहाँ ये विपदा आ गई डिजास्टर आ गया ओके लॉइजल रिटर्न इन द इवनिंग वो पूरे दिन इसी बात का वेट करती रही कि शाम को जब आएगा तो क्या होगा लोइजल जब शाम को लौट के आया तो उसका फेस पीला था उसे कुछ भी नहीं मिला था इसे ड्राई टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास ऑफ द नेकलेस उसने बोला अपनी फ्रेंड को लिख दो कि तुमने जो नेकलेस था उसकी एक कड़ी क्लास का मतलब है कड़ी तोड़ दी है ठीक है एंड अब तुम जब इसे रिपेयर कराओगी तभी दे पाओगी देट विल गिव अस टाइम और इसमें टाइम लगेगा शी रोड एज ही डेडिकेटेड जैसे उसने बोला वैसे ही उसने लिख दिया एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप और वीक के एंड में उनकी सारी होप्स ख़त्म हो गई तो लॉयजल था ओल्डर बाई फाइव ईयर्स डिक्लेयर जो कि उससे पाँच साल बड़ा था उसने डिक्लेयर किया वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल हम इस ज्वेल को रिप्लेस करेंगे एक शॉप में प्लेस रॉयल नाम था उसका दे फाउंड चैपलेट ऑफ डायमंडसलेट ने उन्हें है मिला रखना बच्चों कितने का था वो फोर्टी थाउजेंड फ्रेंक्स का था देखुड फॉर थर्टी सिक्स थाउजेंड उन्होंने कितने पैसे पे करने का वारदा किया था उसको थर्टी सिक्स थाउजेंड ओके सो एंडल पॉइज एटीन थाउजेंड फ्रेंक्स विच हिज़ फर हैंड लेफ्ट एंड बोरोड द रेस्ट अब उसने अब जो लॉइजल था उसका फादर उसके लिए एटीन थाउजेंड फ्रैंक्स छोड़ के गया था ओके तो उसने क्या किया एटीन थाउजेंड तो मिल गया बाकी के पैसे उसने बो किए उसने बहुत सारी मेड रूनस प्रॉमस बहुत सारे ऐसे बर्बादी वाले उसने प्रामिस कर डाले मनी उसने बहुत यूजर्स से उठाया उठायानि सूद खोरों से उठाया होल रेस ऑफ लैंडर जितने भी जमींदार थे उनसे पैसे लिए उसने देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकल अभी उसको नया नकलस मिला उसने मनी को डिपॉजिट किया मैच मर्चेंट के काउंटर पर थर्टी सिक्स थाउजेंड फ्रेंक्स वेन माइंड जब एम जो लॉयजल थी

झल्लाते हुए भी कह सकते हो थोड़ा सा उसने बोला रही है तुम पहले नहीं दे सकती थी मुझे इसकी ज़रूरत थी तुमने बहुत लेट लगा दिया आई माइट है मुझे इसकी ज़रूरत थी है ना जरूरत पड़ती पड़ सकती थी और तो तुम्हें जल्दी रिटर्न करना चाहिए था देन डेट सी वॉट है एम एम फ्रॉइटर डि नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स जो मिसेस फ्रॉस्टर थी उन्होंने जवेल बॉक्स ओपन नहीं किया जैसा कि लॉइजल डर रही थी शी वुड वॉट शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्सटिट्यूशन वॉट शुड सी से वुड शी टेक हर फॉर रॉबर उसने बोला कि हो अच्छा हुआ उसने अगर वो देख लेती और वो कहती देखो सब्सटीट्यूशन लेके आए हैं उसका मतलब सब्सटिट्यूशन का मतलब होता है किसी का हर जाना देना यानी कि कोई चीज़ खो गई तो उसके बदले में कोई चीज़ दे देना दैट इज़ कॉल्ड द सब्सटीट्यूशन और वाकई तो चीज़ और वो ऐसा तो, तो नहीं छोड़ियाँ सोचती कि मैंने चोरी अडा कहती कर डाली उसके हाथ की तो मिसेस लॉइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी अब जो मिसेस लॉइजल थी वो बिल्कुल बदल चुकी थी अब वो जो हॉरिबल यानी भयानक जो कि नेसेसिटी क्या होती है अब आवश्यकता क्या होती है और बस उतनी ही में इंसान को संतुष्ट रहना चाहिए इस बात की जो ज़िंदगी उसके सामने थी अब इस बात को वो अच्छी तरह से समझ चुकी थी शी डिड हर व पार्ट अब वो अपना काम कर कर, उसने अपना काम किया कैसे भी उसने कंप्लीट किया हीरोइकली उसने पूरा अपना पार्ट निभाया ये बहुत ही नेसेसरी था टू कि जो उसने इतना भयानक कर्जा लिया था उसे पे करना था और उसने पे कर देगी वो दे सेंट अवे द मेड उन्होंने मेड जो उनके पास लगी हुई थी उसे वापस भेज दिया उन्होंने सारे लॉजिंग दे चेंज देयर लॉजिंग्स और उन्होंने अपने कमरे बदल दिए दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक और उन्होंने एक एटिक में अब कुछ रूम्स उन्होंने किराए पर ले लिए। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑडियस का मतलब होता है हार्ड वर्क टफ वर्क ओके कठिन काम जिसे कहें आप ऑडियस है। किचन का बहुत ही जो हार्ड वर्क था उसने टफ वर्क था उसे सीख लिया और वो डिशेस को साफ करती थी शी वॉज अ सॉयल्ड लिनन और वो गंदे कपड़े सॉइल्ट लिनन का मतलब होता है गंदे कपड़े देर क्लोथ्स एंड डिसक्लोथस बहुत सारे क्लोथ्स डिशेज के क्लोथ गंदे गंदे क्लोथ साफ़ करती थी विशी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई फिर उसके बाद उन्हें सुखाने के लिए रखती थी शी टुक डाउन द रेफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग और शी टुक डाउन द रेफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वॉटर सुबह सुबह जाती पानी ले कर आती स्टॉपिंग ईच लैंड टू कैच हर ब्रीथ ओके और अब अपनी आ, सांस को थामने की कोशिश करती क्लोज लाइक अ वमेन ऑफ द पीपल वेंट टू द्रॉसर और एक नॉर्मल लोगों की तरह वो कपड़े पहनती ग्रॉसर्स के पास जाती मीट बचर का मतलब है मीट वाले के पास जाती फ्रूट सेलर के पास जाती इधर बास्केट और वो बास्केट अपने हाथों में लेके जाती अपने आर्म्स पर शॉपिंग करती और उसके बाद वो एंड हैगिंग टू द लास्ट यू ऑफर माई मनी और अपने एक एक जो पैसे को बचाने की कोशिश करती द हस्बैंड वर्कड इवनिंग पुटिंग द बुक ऑफ सम मर्चेंट्स और जो हस्बैंड था वो शाम को इतना काम करता था कि वो आ, पहले तो मर्चेंट्स की जो बुक्स थी उनको प्रॉपर रखता था एंड एंड नाइट्स और रात में उनकी कॉपी करता था और पाँच सी कमाता था ये जो सी है यहाँ पर एस ओ यू सी यू जो है यहाँ पर ये दिस इज़ ये मनी है पैसे का जैसे पैसा होता है हमारे यहाँ वैसे उनके यहाँ सी होता है फ्रेंड्स का छोटा पार्ट है सी जैसे रुपीज का छोटा पार्ट पैसा है इन ऑर्डर नाइटली डिड कापिंग एट फाइव सी एक और एक कॉपी का उसे पाँच सी मिलता था एंड दिस लाइफ लास्ट ईयर और इस तरह की जो जिंदगी थी उनकी दस साल रही एट दस सालें खत्म हो गई तो दे हैड रेस्टोर्ड ऑल और उन्होंने सब कुछ वापस पा लिया मिसिज लॉयजल सीम्ड ओल्ड नाउ लेकिन अब जो लॉयजल थी वो उतनी सुंदर उतनी यंग उतनी प्रिटी उतनी ग्लोरी वाली लॉयजल नहीं रही थी अब वो बिल्कुल बदल चुकी थी अब वो ओल्ड हो गई थी और वो बहुत स्ट्रांग हो गई थी बहुत हार्ड वुमेन बन गई थी क्रूड वुमेन बन गई थी पुअर हाउस होल्ड की जो औरतें होती उस तरह से उनका जो है उनके जो तो हेयर थे लॉयजल के अब वो बिखरे हुए रहते थे उनकी जो स्कर्ट्स थी वो ऊँची नीची रहती थी एवरी का मतलब है ऊँची नीची स्कर्ट्स उनके जो हैंड थे वो रेड थे और वो अब वो लाउड वॉइस में बोलने लगी थी एंड वो वॉश द फ्लोर वो फ्लोर्स को भी बाल्टी भर पानी से साफ करती थी बड़ी बड़ी बाल्टियाँ पेल्स का मतलब है बड़ी बाल्टी बाल्टियाँ हैं लार्ज मतलब बड़ी बड़ी बाल्टियों के से, से फ्लोर्स को वो वो पानी डाल के साफ़ करती थी कभी कभी वो अपने हस्बैंड जब उसके ऑफिस में होते थे तो वो आ, विंडो पे बैठ के वो सोचती कि उस इवनिंग पार्टी में क्या हुआ था और वो उस बॉल की नाइट को वो कितनी सुंदर लग रही थी कितनी अट्रैक्टिव लग रही थी और सभी उसको पसंद कर रहे थे फ्लैट हो रहे थे फ्लैट का मतलब पसंद करना हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस द नैलस कितना अच्छा होता अगर वो नेकलेस नहीं खोती किसे पता था हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ लाइफ तो एक ही है हाउ फुल ऑफ चेंजेस लेकिन इसमें कितने बदलाव होते हैं हाउ अ थिंग विल ट्रून और वन एक छोटी सी चीज़ किसी को बर्बाद भी कर सकती है किसी को बचा भी सकती है इस चैप इस लेसन को वो बहुत अच्छे से समझ चुकी थी और मुझे लगता है बेटा आप भी इस लेसन से बहुत कुछ समझ रहे होंगे लाइफ में हमें बड़ी ही आराम से चलना चाहिए One Sunday, as she was taking a walk in the Champs-Elysées to rid herself to the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Mammy Mimi Forster still young still pretty still attractive emmy loisel was affected should she speak to her certainly and now that she had paid she would tell her all why not she approached her good morning jean her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common person she stammered but madam i don't know you must be mistaken No, I am Matilda Loisel. Her friend uttered a cry of astonishment. Oh, my poor Matilda, how you have changed! See, जब वो देखती है कि अब अब तो necklace का सब कुछ दे चुकी है वो अब now she is free. तभी एक दिन संडे को चैम सैलसी में जब वो वहाँ घूम रही होती है वी उस वीक तभी एक वुमेन अपने बच्चे के साथ देखती है वो और वो देखती है कि वो जो वुमेन है वो फ्रॉस्टियर मिसेस फ्रॉस्टियर ही हैं और जो फॉरेस्टियर है वो अभी भी यंग है प्रिटी है एट्रैक्टिव है ले और जो लॉइजल है वो बड़ी प्रभावित होती है उससे और वो कहती है अब तो मुझे इसे बता देना चाहिए कि क्या हुआ था उस टाइम पर तो वो जाती है उसके अगर मैंने अब तो उसके सारे पैसे भी चुका दिए हैं अब तो ठीक है एवरी थिंग तो वो उसके पास जाती है जीन जीन कह के पुकारती है जब उसे वो जीन कहती है तो जो फ्रॉइस्टर है वो बहुत सरप्राइज होती है कि जीन नाम तो मेरा कोई नो नहीं बुला सकता है मुझे तो वो कहती है नहीं मैडम मैं आपको नहीं जानती आप पक्का गलती कर रही हैं हमें तो मटिल्डा कहती है मैं मटिल्डा डॉयजन हूँ जैसे ही मटिल्डा को देखती है कि शी इज़ मटिल्डा वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है वो चिल्ला पड़ती है मतलब बहुत अंदर से उसकी चीख निकल पड़ती है अरे मेरी बेचारी मटिल्डा तुम कितनी बदल गई हो देखिए ऐसे सरप्राइज हो रही है उसे देखिए यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू जब से मैंने तुम्हें देखा तब से ही मेरे बहुत ही परेशानी वाले दिन शुरू शुरू हो गए सब माइजरेबल वंस बहुत ही विपदा वाले माइजरेबल का मतलब होता है विपदा जब आती है इंसान पे तो दैट इज़ माइजरेबल एंड ऑल बिकॉज ऑफ तुम्हारी वजह से हुआ वो कहती बिकॉज ऑफ़ मी ऐसा कैसे हो सकता है यू रिकॉल द डायमंड तो तुम्हें याद करो रिकॉल का मतलब है याद करना रिकॉल करो डायमंड नेकलेस जो तुम्हारा था मैंने तुमसे लिया था उस पार्टी में मिनिस्टर के बॉल में पहनने के लिए बॉल मतलब न डांस पार्टी हाँ बहुत अच्छे से याद है और मैंने और पता है तुम्हें मैंने वो खो दिया था अरे ऐसे कैसे हो गया लेकिन तुमने तो मुझे वापस किया आई रिटर्न मैंने तुम्हें वापस तो किया लेकिन बिल्कुल वैसा ही दूसरा था और इससे इस उस नेकलेस के हर जाने ने मुझे मेरे दस साल ले लिए और तुम्हें आप समझ सकती हो कितना इजी नहीं होता मेरे जैसे इंसान के इसके पास कुछ है ही नहीं मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया मेरा लेकिन अब मैं कंटेंट हूँ अब मैं निश्चिंत हूँ एम एम ई पोस्टर स्टॉप्ड अब वो बिल्कुल सॉफ्ट रह जाती है बिल्कुल रुक थम जाती वो कहती है क्या क्या कहा तुमने यू बॉट अ डायमंड नेकलेस तुमने डायमंड नेकलेस ख़रीदा उसे वापस देने के लिए बोलती है, हाँ यू डिन नॉट परसीव इट तुमने देखा नहीं वो बिल्कुल उसी के जैसे दिखता था वो उसने स्माइल की प्राउड से और बहुत ही सिंपल बहुत ही सिंपल तरीके से उसने बोला मम्मी फर्स्ट ऑफ ऑल टच और वो उसे बहुत ज़्यादा अंदर से उसको फील हुआ उसने मेटिलडा के हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और कहा ओ माई पुअर मेटिल्टा माइ इन वर्फ मेरी बेचारी मटिलडा मेरा नेकलेस तो फॉल्स था वर नॉट वर्थ ओवर फाइव हंड्रेड फ्रेंक्स उस वो तो पाँच सौ फ्रेंक् से भी ऊपर नहीं था ये तुमने क्या किया ओके okay, और यहीं पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी हो गाइडी मोटर का ये जो लिखा हुआ वर्क है इट इज़ वेरी नाइस एंड वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस दैट वी शुड नॉट बोरो द थिंग्स फ्रॉम एनी वन और बोरो करने से पहले हमें उसके बारे में पूरी पता कर लेना चाहिए क्योंकि देखो एक नेटलिस्ट ने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है ना लेकिन उसको एक अच्छा लेसन भी सिखाया कि हाँ नेसेसिटी है किसी चीज़ की तो उसमें ही खुश रहो अगर वो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं बिना बात के हमें किसी भी चीज़ पर रोना नहीं चाहिए है ना तो चलिए बेटा आई थिंक यू गॉट दिस लेसन फ्राम दिस चैप्टर हर चैप्टर हमें कुछ न कुछ सिखा के जाता है रीडिंग करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बस आपने पढ़ लिया आपने याद कर लिया हो गया नहीं टेक द थिंग्स एंड जस्ट अडॉप्ट इट इन योर लाइफ आई बिलीव इन इट थैंक यू सो मच माई डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये अच्छी लगी हो मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन्स अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो यू कैन पुट दैम इन द कमेंट बॉक्स और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स थैंक यू हैव अ नाइस डे बाय टेक केयर